डिजिटल अरेस्ट के मामले में एमपी पुलिस ने गजब कर दिखाया। जी हां, भोपाल साइबर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए डिजिटल अरेस्ट हुए बिजनेसमैन का लाइव रेस्क्यू किया है। इस सफलता से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं और खुद स्टेट साइबर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर पुलिस अफसरों की पीठ थपथपाते हुए नजर आए। वहीं मोहन यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश का सभी थानों में साइबर डेस्क होना अनिवार्य है। देखिए खास रिपोर्ट। डिजिटल अरेस्ट मामले में एमपी पुलिस का गजब का परफॉर्मेंस। भोपाल साइबर पुलिस ने बिजनेसमैन का लाइव रेस्क्यू किया। साइबर पुलिस के कारनामे से इंप्रेस हुए सीएम मोहन यादव। स्टेट साइबर पुलिस दफ्तर पहुंचकर सीएम ने अफसरों की पीठ थपथपाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में पुलिस ने गजब कर दिखाया। साइबर पुलिस टीम ऑनलाइन ही ठगों से भिड़ गई और दुबई के कारोबारी को बचा लिया। यह अनोखा मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इसे लेकर अब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस के अफसरों की जमकर तारीफ की। मुख्यमंत्री मोहन यादव मंगलवार को भोपाल स्टेट साइबर सेल पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर अपराधों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। वहीं सीएम मोहन यादव ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए दुबई के कारोबारी ओबेरॉय से फोन पर बातचीत भी की और रेस्क्यू करने वाले अफसर की पीठ थपथपाई। बहुत धन्यवाद आपका, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा और एक कुल मिलाकर मैं आज इसीलिए साइबर ऑफिस में आया हूँ। आपकी जागरूकता से समय पे सूचना मिली और हमारी पुलिस ने भी आपकी जागरूकता का लाभ लेते हुए तुरंत बड़ी एक घटना को रोका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है कि हमको सबको जागरूक रहने की जरूरत है और एक तरह से मैं आपका आभार भी मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। बहुत अच्छा, मेरे को जरूर 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं अपनी तरफ से हमारे ये बड़े घटनाक्रम में जिनने इसमें मदद की सूचना देने के लिए, जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि हमारा सब इंस्पेक्टर सचिन जब गया तो भगवान बराबर एक तरह से, क्योंकि वो बड़ी घटना में जागरूकता के साथ पूरी घटना को हैंडल भी किया, बचाया भी सही। हमारे एडीजी साइबर जो इस काम को देख रहे थे, ये पुलिस के पूरे विभाग के लिए गौरव की घड़ी है जब हम ऐसी घटनाओं को रोकने का एक बड़ा उदाहरण पूरे देश के सामने सबसे पहले बने हैं। मैं पुनः एक बार सबको बधाई देता हूँ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि बीते दिनों दुबई के कारोबारी को 6 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट किया गया था। साइबर फ्रॉड की कोशिश की गई, हमारी पुलिस की टीम ने तत्काल मौके पर जाकर पूछताछ की। वो हमारी असली पुलिस से आइडेंटिटी मांग रहे थे, हिम्मत तो देखो। बाद में वो वीडियो कॉलिंग छोड़कर भाग निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में डिजिटल अरेस्ट को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट को लेकर सावधान रहें। डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ऐसे मामलों में तत्काल पुलिस को सूचित करें, पुलिस आपकी मदद करेगी। हमने इस संबंध में काफी निर्णय किए, मैं आपको बताना चाहूंगा। पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए हमने निर्णय किए हैं और आगे जाकर के पुलिस हर जिले में साइबर थाना खोलने जा रही है और हर थाने में साइबर डेस्क भी होगी और खासकर साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, ये हमने इसको और सुदृढ़ करने का प्लान बनाया है और उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता का अभियान भी हम चलाएंगे, जिसके माध्यम से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे लिए अगर घटना की बात करें, 2019 में केवल 4,000 घटनाएं आती थी, लेकिन 2024 तक बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गई। अब आप अंदाज लगा लो कि 19 से 24 भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे ऐसी घटनाओं के शिकार हो जब हो रहे हैं लोग, तो हमको उतनी ही ताकत से जागरूकता रखने की जरूरत है। डिजिटल माहौल में ये अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंट सारी चीजें करने कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए, लेकिन उतने ही जागरूक रहने की आवश्यकता भी। और मुझे इस बात का संतोष है कि कार्ड की राशि के मामले में हमने अपनी तरफ से लगातार इसमें लगभग 24 में ही 9.34% की राशि वापस प्राप्त की, लेकिन मान के चलेंगे कि होल्ड करवा करके बचाने का काम किया। मैं आज उज्जैन जा रहा हूँ, वहाँ अभी अभी 2 दिन पहले 50 लाख की राशि
बचाने का प्रयास किया, लेकिन एक तो लूटी गया, ऐसे रोज घटनाएं हो रही है। तो अब हमको स्वयं को अपने खुद के स्तर पे जागरूक रहने की आवश्यकता। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर अपराधों पर रोक लगाने पर तेजी से काम कर रही है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के थानों में साइबर डेस्क होगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के लिए पुलिस हमारी बहुत दक्षता से काम कर रही है। और परसों 11 तारीख के दिन जो घटना घटी है, ये तो वाकई अद्भुत घटना है। हमारे अपने अरेरा कॉलोनी में निवासी विवेक ओबेराय जी, जो दुबई में कॉरपोरेट सेक्टर के उद्यमी हैं, अपने घर पहुंचे थे और घर पे उनको लगभग 6 घंटे डिजिटली अरेस्ट किया। चारों तरफ से कैमरे और सीबीआई अफसर, ईडी अफसर, और जिस प्रकार का नाटक किया गया, किसी भी ईमानदार या सामान्य व्यवसायी को अगर इस तरह के वातावरण में जिसको पहली बार पला पड़े, तो अपने घर के मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, बच्चों के बैंक अकाउंट, उनके अपने सारे 6 घंटे में एक तरह से इतना जबरदस्त तनाव की मुद्रा में, और एक तरह से ऐसा लगा कि सच्चे में उनको अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटली। लेकिन पुलिस को सूचना मिली और मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे प्रदेश के नाम, लेकिन तत्परता से तुरंत एक्शन होकर के हमारी टीम जब गई और टीम ने जाकर के न केवल जो एक तरह से डिजिटली अरेस्ट कर रहे थे उनसे पूछताछ की, वो हमारी असली पुलिस से आईडी मांग रहे हैं, वो परिचय मांग रहे हैं, उनकी हिम्मत देख रहे हैं, और दुबई और बाहर विदेश के नंबरों से बात करके जिस प्रकार का वातावरण बनाते हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि ऐसे हमारे पुलिस अफसरों ने और मध्यप्रदेश पुलिस ने बड़ा काम किया। जब उनको टाट डपट करके उनसे उनका परिचय मांगा और जब उनको लगा कि असली पुलिस है, तो वो भागे और उनने अपने आप को उस वीडियो कॉलिंग से बाहर कर लिया। लेकिन ये सबक दे गई ये घटना कि ऐसी घटनाओं में तुरंत आप मध्यप्रदेश पुलिस या जहां भी पुलिस पूरे देश के अंदर। मोहन यादव के स्टेट साइबर दफ्तर पहुंचने से पुलिस के तमाम अफसर भी बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। मोहन यादव के पहुंचने से पुलिस अफसरों का हौसला भी काफी बढ़ा है। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ये रेस्क्यू है, संभवतः दुनिया और भारत में पहला केस है जिसमें लाइव किसी को रेस्क्यू किया गया डिजिटली अरेस्ट का। आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी भी इसके संबंध में लगातार चिंतित रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आना हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस का, और हमें दुगना तिगना और मेहनत करने की मंशा हमारे सब में पैदा होती है। तो और उनके द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त की गई हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत करने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को जागरूक भी करिए, और आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो कार्य योजना तैयार करके सीएम साहब ने मांगा है, उन सब की हम तैयारी कर रहे हैं, और यथासंभव बहुत जल्दी ही इसमें और संसाधनों में इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है। गौरतलब है कि अरेरा कॉलोनी के रहने वाले विवेक ओबेराय को शनिवार को करीब 1 बजे एक शख्स ने फोन करके खुद को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अधिकारी बताया। जालसाजों ने ओबेराय की ऐसे लोगों से बात कराई जिन्होंने खुद को सीबीआई और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, जिसके बाद उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ से उन्हें ठगों के चंगुल से आजाद करा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।